हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के एक ऐसे छोटे इमोशनल सीन के बारे में जो कि एवेंजर एंड गेम के रेड कारपेट पे हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि एवेंजर एंड गेम के 6 ओरिजिनल कैरेक्टर का हैंड प्रिंट लिया गया, ना कि किसी कैरेक्टर का। तो ये साफ एक चीज क्लियर करती है कि इनका ये शायद लास्ट दिन था, क्योंकि हैंड प्रिंट तभी लिया जाता है। आपको शायद पता होगा कि US में या चाइना में ये एक प्रथा है कि जब कोई क्लास टीचर रिटायर हो रहा होता है तो उसका हैंड प्रिंट लिया जाता है, जिससे कि यादगार रहे वो दिन। तो क्रिस इवांस, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, ब्लैक विडो यानी नताशा रोमनॉफ, मार्क रफेलो और इसमें थॉर एक्टर और जेरेमी यानी कि हॉकाय, तो ये वो 6 ऐसे ओरिजिनल कैरेक्टर थे जिनसे मार्वल स्टूडियो खड़ा हुआ है इन्हीं के बलबूते पर, और रॉबर्ट डॉनी जूनियर उनमें सबसे बेमिसाल थे। तो इन सभी के हैंड प्रिंट लिए गए और मार्वल स्टूडियो में ये लाइफ टाइम तक संभाल के रखे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के दम पे ये मार्वल स्टूडियो खड़ा हुआ है। तो हैंड प्रिंट लेने का मतलब तो ये है कि ये दिस एंड गेम, इससे बेटर शायद कोई मूवी नहीं हो सकती है। तो ये कहना चाहूँगा कि 26 तारीख को मूवी देखिए, फर्स्ट शो पहला शो, और पॉसिबल हो तो IMAX में देखिए, क्योंकि मैंने भी ये टिकट बुक करी थी, अराउंड 400 रुपये की मिली मुझे सेकंड शो देखने को मिला, पर मुझे दुख इस चीज़ का नहीं है, दुख इस चीज़ का कि इसे मैं IMAX में नहीं देख पा रहा हूँ। तो बस ये कहना चाहूँगा कि इतनी फेवरेट मूवी है तो भाई छोड़ना मत इसे, ये बहुत बड़े लेवल का मामला हो गया, समझ रहे हो ना, मार्वल फैंस के लिए। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, यदि आप कुछ वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।